साल की प्रोडक्ट है, SST मॉडल है। तो आज हम आपको इसकी कैलिब्रेशन कैपेसिटी और ड्यूजिंग की सेटिंग के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ऑन करते हैं, काउंटडाउन चलते हुए जब जीरो पे आए तो फौरन जीरो का बटन प्रेस करना है, देन यूनिट टेयर और एक दफ़ा फिर जीरो का बटन को दबाएंगे, फिर जीरो दबाएंगे, फिर जीरो का बटन प्रेस करेंगे। इसकी कैपेसिटी है, चेंज करने के लिए टेयर का बटन है, टेयर को प्रेस करेंगे बढ़ता जाएगा। 15,000 मैंने इसकी कैपेसिटी 15 kg रखनी है, 15,000 सेलेक्ट करने करके उसके बाद जीरो का बटन को प्रेस करेंगे। इसकी डिवीजन सेटिंग है, चेंज करने के लिए टेयर का बटन है, हमें 1 ग्राम से चलाना है। सेलेक्ट करने के बाद इंटर करने के लिए जीरो का बटन को प्रेस करेंगे, इसकी जीरो कैलिब्रेशन हो रही है, फिर जीरो का बटन को प्रेस करेंगे, जीरो आ गया। यहाँ पे आप लोड रख देंगे और जो आपने लोड रखा है वो आप लिखेंगे, यूनिट के बटन से डिजिट बनेंगे और टेयर से डिजिट शिफ्ट होगा। अभी मैंने 2000 ग्राम रखा है, 2000 लिख के और फिर आप जीरो के बटन को प्रेस कर देंगे। फैन के बैलेंस SST के पैरामीटर की सेटिंग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसको ऑन करेंगे, जैसे ये जीरो पे आएगा तो यूनिट के बटन को प्रेस करेंगे, फिर टेयर के बटन को प्रेस करेंगे, जीरो यूनिट और फिर टेयर के बटन को प्रेस कर देंगे। ये NB इसकी फिल्टर सेटिंग है, अगर आप 3 पे रखेंगे तो स्पीड तेज़ होगी, इसको आप टेयर के बटन से चेंज कर सकते हैं। 0 पे स्पीड कम होगी, 1 पे, 2 पे और 3 पे स्पीड तेज़ होगी। सेलेक्ट करने के बाद फिर 0 का बटन को प्रेस करेंगे। ये इसकी रेंज ऑफ की 0 सेटिंग है, मतलब आप 0 के बटन से कितने ग्राम्स तक जो है वो आप 0 कर सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए टेयर के बटन को यूज़ करेंगे और फिर 0 का बटन को प्रेस कर देंगे। 0 ट्रेसिंग रेंज है, इसको आप 0 ही रखेंगे, उसके बाद फिर आप 0 का बटन को प्रेस कर देंगे। ये इसकी 0 डिस्प्ले रेंज सेटिंग है, इसको आप 0 ही रहने देंगे, उसके बाद फिर 0 का बटन को प्रेस करेंगे। EC2 है, इसको भी 2 ही रखना है, उसके बाद आप 0 का बटन प्रेस करेंगे तो वही डिस्प्ले सेटिंग आएगा। अगर आप इसको 1 कर देंगे तो ये स्टेबल होने के बाद वेट शो करेगा, और अगर आप इसको 0 ही रहने देंगे तो ये कंटिन्यूसली वेट चेंज करता रहेगा। तो आपने इसको 0 ही रखना है और फिर 0 के बटन को प्रेस कर देंगे, एंड लिखा हुआ आएगा, फिर एक दफ़ा और 0 के बटन को प्रेस कर देंगे। इसकी फिल्टर सेटिंग भी हो चुकी है।